मुफ्त। तो मैं राजपाल जी के ऑपोजिट हूँ, तो आप सोचिए कि सचिन आपकी पहली फिल्म में किसने उठाया? अच्छा डायरेक्टर आपकी पहली फिल्म दिल्ली बेस्ड थी, ये फिल्म भी दिल्ली बेस्ड है, तो दिल्ली से कोई खास लगाव है आपको? मैं दिल्ली से ही हूँ और लगाव मुझे दिल्ली से भी, और ये फिल्म ज़्यादातर मेरी दिल्ली के बाहर यूपी साइड इटावा में हुई है शूट, हमारी इटावा मेरठ में हुई है, और कहीं ना कहीं जो कहानी थी, कहानी के जो कैरेक्टर्स हैं वो दिल्ली और यूपी के हैं, तो इसीलिए उसको माइंड में रख के हमने फिल्म का जो शूट है, जो लोकेशंस हैं, थोड़ा उसको ऑथेंटिक रखने के लिए उसी एरिया में ही शूट किया। व्हाट इज द हाईलाइट ऑफ द लोकेशन? हाँ, लोकेशन अपने आप में कैरेक्टर है इस फिल्म के अंदर, क्योंकि स्टोरी में जो एक्टर्स हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, वो जो झुमरू है हमारे हितेन कैरेक्टर मूवी के अंदर, उनको इश्क हो जाता है एक इटावा की लड़की से, चुस्की से, तो कहीं ना कहीं कहानी चुस्की नाम है हमारी जिनको झुमरू से इश्क होता है, झुमरू को जिससे इश्क होता है, तो कहानी के अंदर झुमरू और घुंगरू कहीं ना कहीं उसी एरिया में घूम रहे हैं यूपी में लोकेशन के आसपास। राजपाल बाकी तो सब ठीक है, ये चंबल कहाँ पहुँच गए इश्क करने के लिए आप लोग? चंबल की जरा कुछ वहाँ क्या क्या मस्ती की आपने चंबल के बारे में? मस्ती तो खैर काम में ज़्यादा मस्ती होती है, और हमारे लिए जो कोई लोकेशन होती है और वो जिस सिचुएशन में आती है और उसके पीछे डायरेक्टर का जो इंटरप्रिटेशन होता है, वही हमारे लिए सबसे बड़ी मस्ती होती है। हम ये कभी नहीं सोचते कि हमें किस लोकेशन पे ले जाया जा रहा है, हमें ये समझ में आता है कि हमारा डायरेक्टर अपने इंटरप्रिटेशन से अपने कैरेक्टरों को कहाँ लेके जा रहा है, और फिर वो जो लोकेशन देता है उसमें जो मस्ती होती है उसमें कोई सस्ती चीज़ नहीं होती। राजपाल, नॉर्मली कॉमेडी फिल्म्स के अंदर दो किरदार के बीच केमिस्ट्री बहुत अहम रोल प्ले करती है, तो हितेन के साथ केमिस्ट्री के लिए आपको क्या कुछ करना पड़ा था? मैं आपको पहले दिन से ऐसा नहीं लगा कि हमने पहली बार काम किया, और हम जब ये फिल्म समाप्त हुई तो स्पेशली तीन चार एक्टर जो थे और एक्ट्रेसेस भी उसमें, तो ऐसा लगा कि अपन एक काफिला जो है, एक फिल्म का नहीं कई सारी फिल्मों को अंजाम देने की कोशिश करेंगे। और हितेन जैसा इंसान आज पिछले 10 साल से टीवी इंडस्ट्री के जो एक टॉप 5% में सेवा कर रहा हो, तो एक अपने आप में ही बहुत डेडिकेशन पैशन उनके बारे में बोलना, वो आप सबने भी उतना ही देखा है, लेकिन जिस तरीके से इतना काम करने के बाद में आप फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म करने के लिए फिल्म की केमिस्ट्री से जुड़ते हो उसमें सब लोग, अब जैसे मुझे 15 साल से लगातार फिल्म करने का सौभाग्य मिल रहा था, और उसमें हम दोनों ऐसे मिले थे, हमारी कम्युनिकेशन इतनी तगड़ी हो गई कि अभी ये फिल्म एक्चुअली सच में शुरुआत है, अभी 2-4 सब्जेक्ट हम लोगों के वहाँ लोकेशन पे ही तैयार हो चुके हैं, जिनको 1-2 साल हम लोग करने की कोशिश करेंगे। पहले आप लोगों ने लुत्फ उठा लिया, उसके बाद इश्क किया है, टाइटल से तो ऐसा लग रहा है। नहीं, मैं तो बचपन से ये करता चला आ रहा इश्क देख पहले लुत्फ उठा लो, मतलब काम का भी, दाम का भी, शाम का भी, लुत्फ जरूरी है, अगर लुत्फ नहीं उठाया होता तो आज आप लोगों के साथ में यहाँ पे बैठने का सौभाग्य नहीं मिलता, क्योंकि अतः लुत्फ तो था, इश्क तो था वर्क से, लेकिन लुत्फ जो है आप घुटनों के बल पर पानी क्रॉस करके जब जाते हो पढ़ाई करने के लिए, और आपको 4 महीने बरसात में कोई भी ऐसा साधन ना मिले जिससे आपके कपड़े बचेंगे, और उसमें भी आपको क्या काम, आप पढ़ाई का इश्क है, कुछ काम करने का इश्क है, इश्क कब आएगा पता नहीं, पहले तो ये काम करने का लुत्फ उठा लो, तो वो लुत्फ जो है लुत्फ इश्क में बदलता चला गया, और आज सच में कोई भी काम मिले तो अभी मृदुल जी मिलते हैं तो ये नहीं सोचते हैं कि आप या पन्नू जी मिले कि इश्क हम लोग क्या करते हैं, लुत्फ तो पहले आमने सामने खड़े हुए दूसरे के हक करने से लेते हैं, वही लुत्फ जो है इश्क में परिवर्तित हो जाता है।
विक्रम वेरी गुड बिकॉज ही इज़ लाइक फैमिली नाउ. तो एक एक टाइम के बाद आप अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है, एक फैमिली की तरह बन जाते हैं. सेम टीम के साथ काम करने में बहुत मज़ा आता है, तो ईजी हो जाता है. मतलब वो जो बोलते हैं उससे पहले मैं समझ जाती हूँ. सो इट्स लाइक दैट. हाँ, मेरा कैरेक्टर है मिनी का. जैसे कि आप ट्रेलर में देख रहे थे, टू लोफर्स एंड टू झल्लीज, तो एक मैं हूँ और एक भविता सिंह है. तो मेरा जो कैरेक्टर है बहुत ही चुलबुला कैरेक्टर, शी इज़ वेरी शार्प. बट झल्ली झल्ली मतलब ये नहीं कि बेवकूफ़, झल्ली पंजाबी वर्ड है जो कि शार्प माइंड होती है पर छोटी छोटी बेवकूफ़ियाँ कर जाती, जो भी है मुँह पर बोलती, तो उसे झल्ली कहते हैं मुँह पर. तो मैं राजपाल जी के ऑपोजिट हूँ, तो आप सोचिए कि तड़का वो जो निकल के आएगा आपको वो फ्लेवर देखने को मिलेगा. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा. सारे सभी सीनियर एक्टर हैं फिल्म में, जैसे राजपाल यादव जी, संजय मिश्रा जी, हितेन तेजवानी, सुष्मिता मुखर्जी. इससे पहले वाली फिल्म से ज़्यादा ये चैलेंजिंग थी मेरे लिए, क्योंकि इतने सीनियर एक्टर्स के साथ काम करना इतना ईजी नहीं होता. और राजपाल जी की तो कॉमिक टाइमिंग इतनी अच्छी है, तो उनको मैच करना इट्स नॉट दैट ईजी. तो आई हैव टू बी इन दैट कैरेक्टर, तो हर टाइम मैं उस कैरेक्टर में नहीं रहूँगी, तो एकदम से कैरेक्टर निकल जाता है. तो बट एक दो सीन्स के बाद तो ऐसी केमिस्ट्री हो गई थी जैसे चूहे बिल्ली वाली केमिस्ट्री है, तो नेचुरली सब निकल के आता था. चैलेंजिंग ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब फैमिली की तरह हो गए थे. सभी इतने अच्छे हैं कि बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है. मेरा वो मैं आपको अभी नहीं बता सकती. डायलॉग अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है. जो भी समझ लीजिए.